नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया का ऑफिशियल चैनल का स्वागत करते हैं और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुमेन्स इंडिया वर्सेस नेपाल वुमेन्स की जो सीरीज चल रही है उसका दूसरा जो मुकाबला था आज के दिन जो खेला गया उसके बारे में बात करेंगे। तो उस मुकाबले की बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ साथ कमेंट जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं वीडियो में। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आज के दूसरे मैच में क्या हुआ। लेकिन जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, अगेन यही बोल रहा हूँ कि फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं और बात करते हैं वीडियो के तरफ आगे चलते हैं। और भारतीय टीम ने आज फिर से टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया और बैटिंग करते हुए भारतीय टीम 20 ओवर में 149 ही रन बना सकी 6 विकेट के नुकसान पर। लेकिन एक और बार हमने एक थ्रिलर मैच देखा, एक और बार हमने आखिरी ओवर तक का टक्कर देखा और फिर एक बार नेपाल को भारत ने हराया है। यहाँ पर एक नई हीरो, कल हमने फुला सोरेन को हीरो बनते हुए देखा था अपनी फील्डिंग और गेंदबाजी के दम पे, यहाँ पे तो जो हीरो बनी वो जलिया बरा, वो हीरो बनी आखिरी ओवर जिस तरह से जलिया बरा ने डाला, जबरदस्त प्रदर्शन किया उनके तरफ से। और अंतिम ओवर में 9 रन बचाने थे, वहाँ पर उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए और कमाल का वो ओवर रहा। और इसमें भी बात करनी पड़ेगी जिस तरह से नेपाल ने अपने विकेट्स गंवाए हैं। अभी हम भारतीय बैटिंग के पहले हम शुरू करते हैं चर्चा और शुरू करते हैं। तो भारत ने पहले टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया और बिल्कुल कल के ही तरह अच्छी शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो रहा था तब सुषमा दास अपना विकेट गंवा बैठी। 38 का ही स्कोर है। अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि ये 38 का स्कोर कितना कोइंसिडेंटली है। 4.3 ओवर्स में ये विकेट पहला भारत ने अपना, यानी कि 4.3 ओवर, यानी कि लगभग पांचवा ओवर चल रहा था तभी भारत ने अपना ये पहला बल्लेबाज गंवा दिया था, पहला विकेट गंवा दिया था। पहले बैटर को गंवाने के बाद भारतीय वुमेन्स टीम के लिए यहाँ पे समस्या बन सकती थी, लेकिन वो दूसरी विकेट की पार्टनरशिप बढ़िया चल रही थी। पर आते आते जो वसंती हंसदा है उनको भी जाना पड़ा 7वें ओवर के अंत तक, और उसके बाद फिर 30वें विकेट की साझेदारी थोड़ी सी डेवलप हुई, लेकिन लगातार अंतराल पे भारत ने विकेट्स खोए हैं। 102 रन पर तीसरा विकेट गिरा, तब सत्यावती आउट हुई जिन्होंने इस मैच में सर्वाधिक भारतीय बैटर रही जिन्होंने रन बनाए। 40 रन की उनकी पारी 44 गेंदों में एक चौके के मदद से आई और उनके इन रनों के वजह से भारतीय टीम काफ़ी आगे निकल गई, थोड़ा सा तो आगे निकल गई थी। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से नेपाली बॉलर्स ने लगातार विकेट्स निकाल के भारतीय बैटर्स को कम रनों में 149 रन पर ही रोका है, वो अनबिलीवेबल है। और 150 रन का टारगेट जब नेपाल की टीम चेस करने आई तो छठे ओवर तक आते आते उन्होंने 38 रन बना लिए थे, लेकिन छठे ओवर की पांचवी गेंद पर जब पहला विकेट मिला था, सरिता आउट हुई थी क्लीन बोल्ड, उसके बाद देखे दूसरा विकेट अगली गेंद पे B1 बैटर का गया और दो गेंदों में दो लगातार विकेट नेपाल ने लूज किए। पर तीसरे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी फिर से मैं बोल रहा हूँ 38 का, आपको कोइंसिडेंट याद है ना, 38 भारत ने भी पहला विकेट 38 में खोया था दोस्तों। तो 38 पे पहले विकेट इस मैच में गिरे हैं दोनों में, एक अलग सा स्टार्ट जो हमारे सामने आया है। और आगे चले तो फिर तीसरे विकेट के लिए साझेदारी हो रही थी पर एक बार फिर से लगातार अंतराल पे विकेट गिरे, जिसमें सबसे पहले जो ब्रेक इन द नेल है विनीता बंद का विकेट। और यहाँ पर फिर से आज फुला सोरेन नजर आई जिन्होंने विनीता बंद को बोल्ड किया एक बार फिर। और एक और बार मैं यही बोल रहा हूँ कि नेपाल की टीम विनीता बंद पर काफी डिपेंडेंट है, उनका विकेट गिर जाता है तो टीम में पूरा पैनिक हो जाता है। अगर मैं बात करूँ जब विनीता बंद खेल रही थी तब नेपाल के लिए क्या सिचुएशन थी, और नेपाल की टीम को कुछ नहीं चाहिए था दोस्तों। नेपाल की टीम को आराम से 24 बॉलों में 38 रन की आवश्यकता, 25 बॉलों में 40 रन चाहिए थे, आराम से मैच ये लोग मिल करके निकाल सकते थे। आखिरी 2-3 ओवर्स में विनीता मार सकती हैं सबको पता था, लेकिन विनीता का एक रैश शॉट और उसके चक्कर में नेपाल की टीम को खामियाजा भुगतना पड़ा और एक और मैच जो नेपाल आराम से जीत सकता था वो उन्होंने भारत के थाली पे सजा कर दे दिया। बट नेवरदलेस आपकी बैटिंग, भारतीय बैटिंग अभी भी डिसअपॉइंट करती रही है, 149 तो कम से कम नहीं बनाने चाहिए थे। और साथ ही साथ ये बोलूँगा कि भारतीय बैटर्स को थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा अबाउट देयर
स्ट्राइक रेट, काफ़ी स्लो स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है लगातार बैटर्स ने, लेस देन रन अप बॉल खेल रही थी सत्यावती तो। हालांकि एक एक छोर पे टिके रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर निभा रही है, लेकिन जब आप 44 बॉल खेल लेते तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप अंत तक खेले इनिंग्स के। और अगर मैं बोलूँ को वर्षा को ऊपर क्यों नहीं भेजा जा रहा है, आई डोंट नो क्या फिटनेस इश्यूज़ है, क्या प्रॉब्लम है, आई मीन उनको ऊपर भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए 2-3 B1 आपके टॉप ऑर्डर में रहने ज़रूरी चाहिए, क्योंकि आपके टॉप 6 में अगर तीन वो जो सर्कल वाइज अगर हम देखें तो 3 जो B1 होंगे उसमें से अगर आप 2-2 उठा के भी देख लें तो 2 जो B1 होंगे उसमें से एक वर्षा होनी काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि प्रभात ने अच्छी बैटिंग कर रही है और सुमा दास को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन कैप्टन वर्षा को बैटिंग देनी चाहिए ऊपर, मेरा विचार यही है। हालांकि अच्छी गेंदबाजी एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि सुमा दास के तरफ से रही है, एक बार फिर से B1 बोलर्स ने थोड़ा डिसअपॉइंट नहीं किया भारत को, उसके चक्कर में ही हम वो प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब रहते जो प्रेशर बिल्ड कर लिया था टीम ने। फील्डिंग भी स्पॉट ऑन रही भारतीय टीम की, और अभी 2 मैचेस लगातार जीत चुके हैं, जो कल का मैच था और आज का मैच था, तीसरा मुकाबला यानी कि जो 13 तारीख को यानी कि आज ही सुबह ही ऑलमोस्ट शुरू हो ही जाएगा, कल का जो मुकाबला था 11 तारीख का और कल का 12 तारीख का मैच, अब वो दोनों मैचेस भारतीय टीम जीतने में कामयाब रही है और अब तीसरे मुकाबले की सभी को इंतज़ार है, आज के उस मुकाबले की हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं उसके लिए, और तीसरा जो मुकाबला होगा इंटरेस्टिंग होगा उसकी उम्मीद करते हुए करते हैं वीडियो का अंत। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं यही बोलूँगा कि भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आड़ो इन अ टफ मैच भारत ने एक और जीत हासिल कर ली है तो इसी बात पर एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए Thank you so much for watching the video. Thanks a lot.